नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नज़र आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक के सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नज़र आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक के सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में
बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नज़र आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसे फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है, इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नज़र आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसे फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है, इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया।
मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है, इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने
शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सधू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है।
फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नज़र आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नज़र आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है।
पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नज़र आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसे फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है, इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नज़र आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसे फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है, इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है।
तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है, इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है।
उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसे फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइस स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसे फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइस स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए
बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी
रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नज़र आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नज़र आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे
नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेनर पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नज़र आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है, इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेनर पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नज़र आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है, इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक
बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है, इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में
गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसे फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइस स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसे फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइस स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण
और जॉन इब्राहिम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है
जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं, और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेनर पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं, और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेनर पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं।
फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसे फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है, इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है।
ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। UAE सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5/5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है।
फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं, यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, जिन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर है। ऐसी फिल्म दशक में एक ही बार बनती है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ये बोरिंग स्पाइज स्टोरी जैसी नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने शानदार काम किया। मेरे तरफ से इसमें 5 से 5 रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान की पठान को लेकर अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। पठान मूवी का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और यह साल की सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक आदित्य चोपड़ा है। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा और ज़बरदस्त एक्शन सीन लिया गया है। पठान से 25 जुलाई को रिलीज होगा और ऐसे में आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनका इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता, वो पैसे को लेकर काम देने का अंजाम रहते हैं। इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई फिल्म रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक्शन एंटरटेन पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है,
जिसका सबूत इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर देखा जा रहा है। फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि किंग खान की मूवी को लेकर दर्शकों में किस तरीके का क्रेज और उत्साह है। फिल्म पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेकरार बैठे फैंस के लिए एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल मीडिया से भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पठान को लेकर दर्शकों जो उम्मीदें लगाए हैं यह उनकी एकदम खरी उतरी है। फिल्म पठान में शाहरुख खान का ऐसा अवतार दिखाई देगा जो अब तक दर्शकों ने कभी देखा ना होगा। यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर सदू ने ट्वीट करके फिल्म पठान का फर्स्ट रिव्यू दिया, उन्होंने शाहरुख खान की इस मूवी को दशक के सबसे बेहतरीन बॉलीवुड एक्शन मूवी बताया है। उमेर संधू के अनुसार फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर में गेम चेंजर साबित होगी। उमेर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा, पठान बॉलीवुड के सबसे बेहतर